लग गए वो सारे, तो भगवान मिला नहीं। और परमात्मा ना मिलने से लास्ट में ये कह दिया कि परमात्मा निराकार है। ये इन अज्ञानियों की अपनी सोच थी, अपना अनुभव था। सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था कि परमात्मा निराकार है। सदग्रंथ यानी वेदों में, गीता जी में, पुराणों में, सब में परमात्मा को साकार लिखा है। और जिन महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिनको परमात्मा प्रत्यक्ष हुआ, उन्होंने भी गवाही दी है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, हमारे ही जैसा है। और वो कबीर है जो बनारस में आया था, धानक की भूमिका करने आया था, जो दुल्हा बनकर रहे थे 120 वर्ष। तो परमात्मा के न पाने का, परमात्मा के दर्शन न होने का एक कारण यही रहा कि हम सत साधना से अपरिचित रहे। उसका मुख्य कारण यही रहा कि हमें वो सत साधना नहीं मिली जिससे ये हमारे बीच में, परमात्मा और आत्मा के बीच में जो पर्दा है ये हट जा। वो ना हटने से अज्ञान के कारण हमने भगवान को निराकार बताया। अब जिनको परमात्मा प्राप्त हुए, उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहेब गांव छुड़ाने जिला दजर हरियाणा के अंदर, वो पुण्यात्मा परमात्मा हुई, श्रेष्ठ आत्मा, जिनको परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आकर मिले, गति करके वहां से आए, उनको यथार्थ ज्ञान दिया, अपने लोक से परिचित कराया। तब उस पुण्यात्मा ने संत गरीबदास साहिब जी ने कहा, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन ये झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। होय होय, परमात्मा और आत्मा के बीच में ऐसे पर्दा है जैसे सूर्य के सामने बादल आज छा जाते हैं, और तेज हवा जब चलती है बादलों को तीतर बीतर कर देती है, फिर उस सूर्य का स्वरूप, वो प्रकाश स्वरूप, प्रकाश रूप, अब जैसे वेदों में अज्ञानियों ने अनुवाद कर रखा है, भगवान प्रकाश स्वरूप है, वह स्वयं प्रकाशित है, वो सूर्य के तुल प्रकाशमान है। फिर निराकार क्यों करोगे? सूर्य की तरह चमकता है तो, और देखने जोगा है, दर्शनीय है, और फिर भी निराकार है। इसके बारे में परमात्मा ने क्या कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनको फेरा मोतिया बंदरे। कि इनको मोक्ष मार्ग का तो पता लगा नहीं, और ये संस्कृत भाषा के जानने के कारण बड़े विद्वान योगी नजर आवे थे, महसूस हों थे, बड़े विद्वान हैं, लेकिन इनको गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब इनको गुरु मिला नहीं, या ज्ञानी के अज्ञानी रहे, और जिस कारण से परमात्मा को निराकार बताते रहे। और ये भी ठोक के कहें कि वेदों में परमात्मा ने निराकार लिखा है, वेदों में तो ठोक के 100 बार हजारों बार लिख रखे परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, वो गति करके आता है, और वो राजा के समान देखने योग्य है, और ऊपर एक स्थान पर रहता है, वहां से सबको कंट्रोल करता है, और वो उसकी अपनी निराकार शक्ति के कारण सर्वव्यापक है। जैसे अपने ये संचार प्रणाली है, इसके अंदर एक जैसे ये टावर होते हैं, टावर एक स्थान पर होता है, और वहां से उस टावर से, जैसे मोबाइल टावर है, वहां से तरंगे निकलती हैं निराकार रूप में, उस अक्षेत्र में जहां तक उसकी अक्षमता है फैल जाती हैं। एक स्थान पर होकर भी टावर सबको कंट्रोल, सबको रेंज दे रहा है, और वहां से उसका काम अपना कर रहा है। ऐसे परमात्मा सतलोक में रहते हुए या किसी स्थान पर रहकर भी वो सारे ऐसे कार्य करते हैं।
करता रहता। जैसे एक तो टावर है स्थिर और एक है मोएबल, जैसे ये एक चैनल टीवी वाले लाते हैं, गाड़ी पर रख लाते हैं वो सारा सिस्टम, तो वो परमात्मा एक रूप में तो सतलोक में स्थिर है और अपना दूसरा ही रूप यानी वही पावर, वही जो कहते हो वो फिर किसी भी लोक में आकर वहाँ से भी वही कार्य करता रहता है। जैसे 120 वर्ष धारणक रूप में रहकर, जुलाहे रूप में रहकर बनारस में काशी में वो परमेश्वर कबीर देव जी रहे, और यहाँ से बैठकर भी उस झोपड़ी में बैठकर भी परमात्मा असंग ब्रह्मांडों को कंट्रोल करते रहे। दीखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे, ये विद्वान दिखे थे, महर्षि दिखे थे और समाधि लगा करने को थी, कई कई वर्दन तक बैठे रहते थे, तो ऐसा लगता था कि बड़े विद्वान हैं, महापुरुष हैं, परमात्मा पाया होगा, लेकिन ये अज्ञानी थे, इनके अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था इन लोगों के। अब उस परमेश्वर ने इस दास का मोतिया बिंद हटाया और ये ऑपरेशन करने का एक तरीका बताया, जो आप जी का अब अज्ञान रूपी मोतियाबिंद सभी का समाप्त हो रहा है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चतुमंजन जल के तेज नयारे। परमात्मा पाने के लिए परमात्मा में एक विशेष कसक बनानी पड़ेगी, उसमें एक प्यार बनाना पड़ेगा और प्रेम की पवन बहानी पड़ेगी, तब परमात्मा मिलेगा। कैसे? अब जिनको सतगुरु मिले हैं उनका कल्याण हुआ है और होगा। सतगुरु की संगत भली अनसा थीर मुकाम, जुगन जुगन के बीछड़े वो परसे लोक सतधाम। कहते हैं सतगुरु की संगत भली, यानी जिनको सतगुरु मिल गए और वो उस थीर मुकाम, थीर मुकाम माने शाश्वतम स्थानम, थीर मुकाम अनसा थीर मुकाम, वो पुण्यात्मा उस सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाती हैं। और युगन युगन के बिछुड़े वो पहुंचे लोक सतधाम, यानी सतलोक में पहुंच जाते हैं जिनको सतगुरु मिल जाते हैं। साधों की संगत करें बड़ बागी बड़ देवे, अपना तो संशय नहीं और उतारें खेवे। कहते हैं तत्वदर्शी संतों की, परम संत की जो संगत करते हैं, बड़ भागी वह देव, वो पुण्यात्मा बड़ भागी हैं, पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और अपना तो संशय नहीं और उतार दें खेव, यानी बहुत बहु संख्या में अन्य को भी पार करवा सकते हैं, उनको पूर्ण विश्वास के साथ ज्ञान बता के नाम दिवा के और कल्याण करवा सकते हैं। संगत सुर की हिजिए असुर आव है ओसे, बुद्धि भ्रष्ट सो संग क्या वो उल्टा देव दोष। कहते अच्छी आत्माओं के पास बैठिए, और असुर ये राक्षस तो ऐसे हैं जैसे ओस होती है, ओस यानी सुबह सुबह एक दो घंटा होते हैं फिर वो तुरंत समाप्त हो जाती है, और अच्छी आत्माओं के पास बैठोगे तो आपका रंग में रंग चढ़ेगा, भक्ति का रंग अति बढ़ेगा, और बुद्धि भ्रष्ट के पास, बुद्धि भ्रष्ट से संग क्या उल्टा देव है दोष, नो क्या किसने देखा भगवान खा ले पी ले मौज कर ले बस यही बात सही से। कहते इसे व्यक्ति के पास बैठे नींद आपकी भक्ति भाव में फर्क पड़ जाएगा, या तो उसको ज्ञान सुनाओ, और जब वो उल्टी बकवाद करने लगे जब उठकर खिसक जाओ, आपका ज्ञान स्वीकार करता है सुनता है बहुत अच्छी बात है, और फिर वो नो कहता है ना किसने देखा भगवान और हम तो इस आगे भगवान नहीं मानते, उसको समझाने की चेष्टा अवश्य करो लेकिन उसके रंग में तुम ना रंग जाना, क्योंकि जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है
वो तो डगमग हो सकते हैं, जिनको तत्व ज्ञान हो गया फिर उनको संघर्ष करे समझावे प्यार से। संगति सुर की जिए असुरन से क्या हेत, डाल मूल पावे नहीं जो मूरी का खेत। कहते हैं अच्छी आत्माओं पुण्यात्माओं का सत्संग कीजिए, और असुर राक्षस स्वभाव के, राक्षस कौन है जो मांस खावें शराब पीवें ओक्का पाड़ें अच्छी बूंदी सोचें डाके मारें चोरी करें रिश्वत लें मिलावट करें। कहते हैं इनकी तो ऐसी दुर्गति होगी इनका नामो निशान नहीं रहेगा। किस प्रकार नहीं रहेगा, जो मूली का खेत, जैसे किसी खेत में जमीन में मूली बो रखी हो उन जड़ते का डग रहे नो खसा खस काट दे सारी मूली जब उसमें पाट ली जाते उसमें पाद में ये बता नहीं सकता इसमें के बो रखा था। जैसे गेहूं बो रखे हों तो उनको ऊपर से काटें उनके फांस बता देंगे, वो शेष बचे हुए उनके चिन्ह बता देंगे गेहूं बो रखी थी। और जैसे वृषम है इसने ऊपर तक काट लें तो फिर फूटा हुआ। लेकिन कहते हैं वो असुर तो ऐसे हैं जैसे मूली का खेत, नामो निशान मिट जाता उन लोगों का जैसे रावण का मिट गया। सतगुरु दाता दत्त कहें बाणी बड़ी बुलंद, मुख बोले क्या होत है अंतर हेतन अंध, ग्रीब सोटा खाली रह गया वो पार पहुंचा नाही, राम राम प्राणी कहें जमकी नगरी जाही। सोटा पढ़े सुभान गति अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंड पोख हैं ये कोस सेंस हजारे। पुणात्माओं कहते हैं इस ज्ञान के रट लेते हैं इस नाम को प्राप्त करके ऊपर तक मंत्र करें जाओ से अंदर से कसक है नहीं तो वो व्यर्थ है आपका जाप। अब जैसे पुणात्माओं आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित भी हो गए हो और अन्य को भी आप समझाने की चेष्टा करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके अंदर स्वयं स्थान नहीं है जिनके अंदर स्वयं कसक नहीं है तो वो तो ऐसे मंत्र जाप कर रहे हैं जैसे तोता पक्षी सुवा, ये बहुत जल्दी बोलना सीख लेता है और उसके अंदर उसको पता नहीं इसका अर्थ क्या है लेकिन घोट लेता है वो। तो जिन प्राणियों के अंदर जगह नहीं कसक नहीं भगवान की वो तो तोते के सी रटना लगा रहे हैं। जैसे इतना ज्ञान सुनकर इतने प्रमाण समझ के सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम। अब परमात्मा हमें इतना ज्ञान देते हैं कि ऐसे ऐसे धनवान और इतने पुत्र, एक लख पूत सवा लख नाती उस रावण के अज दीवान बाती। मान लीजिए किसी की एक पुत्र की डिमांड है और केवल उसी की आस लगाए बैठा है और वो ना परमात्मा ने उचित समझा हो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे संतान की संयोग हो जो आगे जाकर उसकी टिटवी दाब दे। अड़ बहुत से देखे हमने बाप मार दिया बेटे ने, समाचार पत्रों में भी आते हैं कि एक शराबी ने अपनी माँ का छुरा घोंप दिया उसकी हत्या कर दी। तो परमात्मा अपने हिसाब से करता है। तो कहने का भाव यह है कि यदि उसको इतना ज्ञान समझाया जाता है कि 100,000 बेटे थे रावण के और सच साधना ना करने से आज उसका कोई दीपक लाने वाला नहीं ज्योत जगानिया नहीं उसका वंश भी नष्ट हो गया, तो इन पुत्रों से एक पुत्र से तू के किला तोड़ लेगा। परमात्मा देते हैं ठीक है उनके सर्वेंट बनकर पालो क्योंकि ये बेटा बेटी अपने नहीं है ये भूल आपका है। जिस दिन यह भूल हटेगी तब आपको यहाँ जीने का एक नारा उद्देश्य होगा आपका, ये आपके नहीं है। आपका लड़का 20 वर्ष का है
20 वर्ष पहले कहाँ था वो, 13 उत्तरात्री घर में पहला।